नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन में। गुजरात में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली है बड़ी जीत। यहां दूसरे चरण के चुनाव में 8,470 सीटों में से 6,236 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती है। वहीं पर कांग्रेस महज 1,800 सीटें लेकर आई है। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाएंगे और नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है और वहाँ की जनता के ऊपर आभार व्यक्त किया है। बता दूं, अहमदाबाद गुजरात में हुए नगर पालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनाव में सत्ताधारी दल बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल कर ली है। बीजेपी ने सभी 31 जिला पंचायतों के साथ ही 231 तालुकों पंचायतों में से 196 और 81 नगर पालिका में से 74 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। राज्य के मुख्य पार्टियां और विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केवल एक नगर पालिका और 18 तालुका पंचायतों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। वहीं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMI और आप ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन इन लोग की जमानत जब्त हो चुकी है। बता दूं, इससे पहले गुजरात में पिछले महीने हुए निकाय चुनाव में पहले चरण में बीजेपी ने सभी 6 नगर निगमों में जीत हासिल की थी। दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतगणना सुबह 9 बजे शुरू हुई और बीजेपी ने 8,470 सीटों में से 6,236 सीटें जीत कर कांग्रेस को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। 4 सीटों पर स्थिति अभी स्पष्ट है नहीं है। बता दूं, कांग्रेस का बुरा प्रदर्शन रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस केवल 1,809 सीटें जीत पाई, जबकि आपने 42 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 17 सीटें जीती। असदुद्दीन ओवैसी ने अरावली जिले के मोडासा नगर पालिका में 9 सीटें जीती। इसके साथ ही उसने 1 सीट भरूच में और 7 सीटें पंचमहाल के गोधरा में जीती। वहीं आम आदमी पार्टी ने 31 सीटें तालुका पंचायत, 2 सीटें जिला पंचायत और 9 सीटें नगर पालिका में जीती हैं। बता दूं, गुजरात की जनता ने लगाई विकास पर मुहर। PM नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की जीत पर बधाई दी है। मोदी ने ट्वीट कर कहा, गुजरात के नगर पालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनाव के नतीजों में अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है। पूरा प्रदेश विकास, सुशासन और जनकल्याण के एजेंडे के साथ मजबूती से खड़ा है। मैं भाजपा के प्रति अटूट विश्वास और असीम स्नेह के लिए गुजरात की जनता को नमन करता हूँ। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है। गुजरात के ग्रामीण इलाकों में लोगों और किसानों ने बीजेपी को विजयी बनाया और गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में सरकार की कल्याणकारी नीतियों पर विश्वास की मुहर लगाई। शाह ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और प्रदेश बीजेपी प्रमुख CR पाटिल के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को भी शानदार जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं भी जनता का नमन करता हूँ, यानी कि बीजेपी की जीत से कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और वहीं पर AIMIM पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी कह सकते हैं कि बुरी तरह फेल रही और वहीं पर आम आदमी पार्टी भी बुरी तरह फेल रही। यानी कि 8,000, अभी हमने आपके सामने बताई कि 8,470 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 6,236 सीटें बीजेपी ने अकेले दम पर जीती और वहीं पर कांग्रेस ने 1,809 सीटें ही जीत पाई। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। भगवा लहरा दीजिए, जय श्री राम के नारे लगा दीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। UPSC के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें TV पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।